हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19, थर्ड पार्ट फ्रॉम द डेरिवेटिव टॉपिक. ओके, द क्वेश्चन इज वाई इज इक्वल्स टू 3 पावर माइनस x पावर माइनस 3 5 प्लस 3 x. हाँ जी बेटा, कैसे कर सकते हैं इसको? ओके, प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो आप, पहले ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, आप दोनों तरह से क्वेश्चन कर सकते हो. वन मेथड इज यू कैन ओपन द ब्रैकेट. अब आपको पता है x पावर माइनस 3 और x की पावर 1, इट बिकम x पावर माइनस 2, बेस सेम होती है तो पावर्स एडिट हो जाती है ना. तो अब आप यहां प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप सीधा यहां लगाते तो आप क्या लगाते? प्रोडक्ट रूल लगाते. आप ब्रैकेट ओपन करके सिंपलीफाई करके सीधा डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो बेटा y डैश, अब x पावर n का क्या होता है डेरिवेटिव? पावर आगे जाती है, एक पावर कम हो जाती है, तो क्या आएगा यहां पर? -15 x पावर -4. ओके जी, हाँ जी, -6 x पावर -3. ओके बेटा, इट इज अप टू यू. आप प्रोडक्ट रूल भी लगाओगे ना, अल्टीमेटली आंसर बेटा यही आए. समझ आई? डू इट विद योर हैंड, मैं बार बार कह रही हूं. नाउ क्वेश्चन नंबर जो गए इसका फोर्थ पार्ट. चलिए बेटा, x पावर 5 3 माइनस 6 x की पावर माइनस 9. डू दिस जल्दी जल्दी. क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप बेटा? हाँ जी, ब्रैकेट ओपन कर दो, प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्रोडक्ट लगा लीजिए, इट इज अप टू यू. नाउ वाई डैश, 15 x पावर 4 प्लस 24 x पावर माइनस 5. ओके, डन बेटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो गए फिफ्थ पार्ट 9th का, दैट इज योर होमवर्क, आप कर सकते हो. लेट अस डू 6th पार्ट बेटा. हाँ जी, y इज इक्वल्स टू 2 by x plus 1 minus x square by 3x minus 1. बिल्कुल, हाँ जी, एलसीएम ले लो तब भी क्वेश्चन रूल तो लगना ही लगना है, सिंपल कर दोगे तब भी क्वेश्चन रूल लगना ही लगना है. मैं आपको बार बार कह रही हूं, नॉट ओनली वन मेथड इज हियर टू सॉल्व द डेरिवेटिव, इट इज अप टू यू हाउ यू मैनेजिंग द क्वेश्चन व्हेन यू आर डूइंग. मेरे पास जो है वाई डैश, आपने क्वेश्चन रूल लगाना है, क्वेश्चन रूल लगा लो. जब आगे आपको चेन रूल बता देंगे ना, मैम ने बताई थी चेन रूल, थोड़ी सी बता दी है. तो मैं देखो चेन रूल की हेल्प से, लेट अस डू पावर माइनस वन कर दी, मैं बताती हूं, अभी बताने लगी हूं. सी हियर, मैं एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन लिख सकती हूँ. अभी मैं डेरिवेटिव नहीं ले रही हूं, मैं सिंपल सिंप्लीफाई कर रही हूं, इसको ऐसे ही रहने देती हूं. ओके, क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि ऊपर कांस्टेंट था, कांस्टेंट नहीं होता तो मैं यू बाय वी मतलब क्वेश्चन रूल लगाती. ओके, अब मैं देखो डेरिवेटिव कर रही हूं. जब मैंने डेरिवेटिव लगाया, कांस्टेंट है ये एज इट इज, ये एक्स की पावर एन है ना बेटा, है ना, पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई, बट होना यहां एक्स चाहिए था, क्या है? एक्स प्लस वन. तो बेटा साथ में जो फंक्शन अंदर होता है ना उसका डेरिवेटिव, इसे कहते हैं चेन रूल. मतलब अगर मेरे पास किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ये लीजिए इसकी पावर एन है, तो मैंने डेरिवेटिव लेना है. मैंने डेरिवेटिव बिल्कुल ऐसे लिया, पावर आगे आई, एक पावर जो है कम हो गई, लेकिन होना एक्स में फंक्शन चाहिए था, यहां एक्स में नहीं है, किस में? जी एक्स में. तो वो जी एक्स का साथ में डेरिवेटिव लगता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड चेन. अगर एक्स होता ना, मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में बताया था
बेटा एक्स से एक्स के साथ डेरिवेटिव कर रहे हो तो डीएक्स बाय डीएक्स क्या बन जाता है, वन बन जाता है। बट यहाँ एक्स प्लस वन है, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी, एक्स का डेरिवेटिव वन, वन का डेरिवेटिव जीरो, वो तो बाय चांस ही वन बन गया ना, जरूरी नहीं कि वन बने। ओके, आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस कराऊंगी आपको पता चलेगा कहां पर, यहां पर फिर वो dx by dx अपने आप ही वन ही, तब भी वन ही बनना था। अब प्लस माइनस है बीच में, ये माइनस लगाया, अब इसमें u by v, क्योंकि क्वेश्चन फंक्शन कैसे है, ऊपर अलग है नीचे अलग है, u by v डिवीजन जो है क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल में क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर ऑफ दिस है ना, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, बीच में माइनस, अब क्या आएगा न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि 3 एज इट इज 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1 का 0, तो 100% 3 आया। बात समझ आई बेटा, अब आगे तो सिंपलीफाई करना है ना, एलसीएम लेके, वो आप पे, आप कितना के सिंपलीफाई करते, मेरी बात समझ आई बेटा यहाँ पर। अच्छा यही ना, देखो चेन रूल में बताने लगी, जरा दो मिनट रुक के यहाँ पर, अगर मेरे पास क्वेश्चन होता ऐसे, साइन ई पावर एक्स, फंक्शन के अंदर फंक्शन, आपको साइन एक्स का फंक्शन पता है, डेरिवेटिव पता है, वो क्या होता है, मतलब यहां पर एक्स होता तो यू राइट कॉस एक्स, लिखते कि नहीं, बट अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रही हूं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स नहीं है मेरे पास, क्या है ई पावर एक्स, जब एक्स को छोड़ के कोई और चीज होती है तो साथ में उसका भी डेरिवेटिव लगता है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर एक्स, अगर होता मेरे पास, देखिए y is equals to e power sin x, मेन फंक्शन कौन सा है, e power x, e power x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो y dash e power x, बट पुत्र यहां x नहीं है, sin x है, साथ में चेन रूल लगेगी, sin x का डेरिवेटिव cos x, लगा दो। मैं तो सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ चेन रूल का, ये मेन फंक्शन आपका घर, आपके घर में जो किसी पार्टी में जाना है, घर पे शादी है, बाय चांस आपका कजन आ गया, साथ में लेके जाती हो ना उसको भी, सारा मम्मी उसका भी देखते है ना, क्या कपड़े पहनने, क्या करना है, चेन रूल लगती है कि नहीं, सेम हियर, इज इट क्लियर, ओके पता चला। एक और करें, लो जी ये लो, सबसे पहले y डैश tan x होना चाहिए, मैं क्रॉस लगा देती हूं ऐसे, क्रॉस मतलब x, tan x का आपको समझाने के लिए लगाती हूं है ना, tan x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव secant square x, अब secant square x नहीं लिखना, क्या लिखना है जो उसकी जगह पे है, x होता तो काम खत्म हो जाती, यहां पर क्या है secant x square, इसका भी डेरिवेटिव secant x square का डेरिवेटिव क्या होगा, नो secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x tan x है ना, तो यहां अब ये चेंज हुआ ना, तो वो क्या आएगा secant x square tan x square, होना x चाहिए था 2x, देखो जी वेट, मेरे पास फंक्शन था y secant, आपने जो बोला ना अभी, एक बच्चे ने बोला मैम 2 secant x होना चाहिए था, है ना, वो गलत है, वो कब होता है, देयर इज अ डिफरेंस, एक होता है secant square x, एक है secant x square, ये x का स्केयर है, ये इसका मतलब होता है ऐसे स्केयर, अगर ये होता ना
तो इसमें होता पावर आगे जाती, एक पावर कम होती है ना, फिर साथ में सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव लेते। लेकिन इसमें मेन फंक्शन सीकेंट है एक्स स्क्वायर, इसमें सीकेंट एक्स, यानी अगर इसका डेरिवेटिव लेना हो तो इसका डेरिवेटिव होता है पावर आगे एक पावर कम इंटू सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स, ये काम खत्म। लेकिन अगर इसका लेना है क्या होगा, पहले सीधा ही सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास हो गए सीकेंट एक्स, एक्स नहीं है ना, क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहां पर सीकेंट एक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर, बट एक्स नहीं है, क्या है यहां पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ में टू है। इसीलिए मैं नॉर्मली बच्चों को कहती हूँ पहले ना क्रॉस लगा लिया करो, क्या चाहिए वो क्रॉस का मतलब यू नीड एक्स इन प्लेस ऑफ दैट, तो आपको कभी फिर उस वो क्रॉस वाले की आगे डेरिवेटिव लेना। यहां पर क्रॉस किस पे लगा सीकेंट एक्स पे, यहां क्रॉस किस पे लगा एक्स स्क्वायर पे, दोनों में डिफरेंस पता चला। ओके बेटा क्लियर, चलू आगे, डाउट लग रहा है अभी भी कुछ और क्वेश्चन करूं इस पे, ठीक है लेट अस डू। ये जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने हैंड से क्वेश्चंस निकलते जाएंगे, उतना आप इसमें पावर गेन कर लोगे। लेट अस सी, लो जी क्या करें हम, हाँ जी अंडर रूट साइन एक्स, बिल्कुल जी, लो जी मैंने 1/2 लिख दी। वैसे आपको किसका फॉर्मूला पता है, ई पावर एक्स का, मैंने इस पे क्रॉस लगा दी, मींस मेरे को एक्स चाहिए था, ठीक है मैंने डेरिवेटिव स्टार्ट किया, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, ऐसे ही है ना, ये ऐसे, ओके साथ में। अब आपको एक स्टेप में नहीं पता चलता ना, यू राइट हेयर कि मुझे साथ में इसका डेरिवेटिव चाहिए, अब बस इसका डेरिवेटिव, अब भूल जाओ पिछला काम, यू नीड डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये नया फंक्शन आ गया। अब मुझे बताओ कौन सा यहां पर फंक्शन लगा, एक्स की पावर एन का है ना, यानी अब ये क्रॉस हो गया, यहां एक्स चाहिए था ना, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो मैंने क्या किया यहां पर इसको एज इट इज लिख दिया इनटू मेरे पास हो गए पावर आगे एक पावर कम हुआ तो माइनस वन बाय टू इनटू, क्योंकि ये जहां एक्स लगाया होता है उसका डेरिवेटिव चलता है क्या नहीं, साइन एक्स का डेरिवेटिव, देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको, जहां एक्स लगाया होगा ना क्रॉस आपको पता चल जाएगा इसका डेरिवेटिव मैंने आगे ले लिया, जितनी लंबी मर्जी चेन आती। ओके चलूं और क्वेश्चन पे, लेट अस सी, करो करो नोट, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। अब सोचिए इधर क्या करें, जब तक खुद नहीं सोचोगे क्वेश्चन नहीं होगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, थिंक ओवर इट। हाँ जी पहला साइन है ना, साइन के अंदर है ना सारा कुछ, मेन फंक्शन क्या हो गया साइन है, अंदर वाला जी एक्स हो गया है ना, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव, बाकी अंदर वाला एज इट इज लिख देना है, पहला तो इनविटेशन साइन को ही मिलना चाहिए ना, ठीक है कि नहीं, इनटू ये सारा था ना 2x+3, बताओ क्यों किया मैंने ऐसा, अंदर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, प्लस 3x का 4 का
मैंने लिखा ही नहीं। ओके बात समझ आई बेटा सबको, कोई डाउट तो नहीं? चले आगे, चले बेटा 100% क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आप कोई बता सकता है मुझे? वेरी गुड, पहले बाहर टू आ गया, क्योंकि ये पूरा क्या बन गया, एक्स बन गए, एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स पावर जो एक कम हो जाती है वो वन ही हुआ ना साथ में, इनटू कॉस एक्स प्लस टू। अब पता चला बेटा क्यों किया ये, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस टू एक्स का टू, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड चेंज। इससे हर क्वेश्चन आपका, कोई टेंशन नहीं, जैसे मर्जी करो हर क्वेश्चन आप कर सकते, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज पे वापस आती हूँ ताकि आपको पता चले। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो है हमने कौन सा कर लिया था बेटा? ओके, टेंथ वी हैव टू डू। पीछे से काट दीजिए, जे दे जस्ट राइट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं करना। ओके नहीं, नो, y इज इक्वल टू कॉस एक्स सिंपल, इसका डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट प्रिंसिपल इज यूज जस्ट टू कैलकुलेट द फॉर्मूला। तो अगर हमें डायरेक्ट आते हैं तो वाई वी डू दिस, नो नीड टू डू दिस, नहीं जब ओके ना। हां जी बिल्कुल बताया था जी, भूल जाते हैं बच्चे, छोटे हैं ना अभी बहुत, प्लस वन में है, प्लस टू में आके बड़े हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्या करें यहां पर, प्रोडक्ट रूल लगा दे, वाई डैश फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज क्या हो गया मेरे पास, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। अगर ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता ना तो मेरे पास ऑप्शन पता क्या होती, कॉस टू एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में इस फॉर्मूले की जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं, किया हुआ ना डबल एंगल फॉर्मूला, दैट्स राइट। जितना सिंप्लीफाई इजिली होता है करना चाहिए आपको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है वेरी इजी, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 11th सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। हाँ जी क्या करें, y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव tan x secant x होता है कि नहीं, राइट देयर y डैश इज secant x tan x लिखो या tan x secant x लिखो, doesn't matter। ओके बेटा नाउ नेक्स्ट मेरे पास हो गए थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू 5 secant x प्लस 4 cos x। अब टर्न बाय टर्न चलो बेटा, नेक्स्ट गुरसिमर बेटा बताइए। ओके कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ओके जी क्लियर, नेक्स्ट। हां जी गुरजोत फोर्थ पार्ट, वेरी इजी, कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव। गुरजोत फॉर्मूला नहीं याद, अरे कितनी बार बताती हूँ, जो सीकेंट का ना, सीकेंट का सीकेंट एक्स टेन एक्स है ना, तो को लग गया तो यहाँ पर भी सबके आगे क्या लग जाएगा, को। बट को वाले हमेशा क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, आंसर में क्या आना है, नेगेटिव आना ही आना। तो दैट मींस वाई डैश इज माइनस कॉट एक्स कोसेकेंट एक्स। है कोई मुश्किल बेटा, क्लियर? चलें बेटा आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फॉर्मूले याद कर लो, नहीं तो एंड तक याद नहीं होने बेटा। हाँ जी नेक्स्ट मेरे पास हो गए फिफ्थ पार्ट। हाँ जी किसकी टर्न है, हार्दिक की,
कौन बैठा हुआ है? आशुतोष। ओके चलिए आशुतोष, हाँ जी बोलिए, क्या होता है? वो याद नहीं है। हाँ जी, कॉटेक्स का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का याद है ना, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो कॉट क्या क्या होगा? माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो यू जस्ट राइट हियर माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स, आर को सीकेंट एक्स का, ओके माइनस कॉट एक्स और कोसेकेंट एक्स फाइव था वो एज इट इज, गुड। नेक्स्ट आशुतोष के नेक्स्ट कौन बैठा है? दोनों युवराज बैठे हैं, चलिए फर्स्ट युवराज प्लीज प्लीज। हां जी प्लीज मत बताओ बेटा, लेट हिम टू स्पीक। कॉज एक्स कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अरे ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है जिनमें इतना टाइम लगा रहे हो आप। चलो नेक्स्ट युवराज, हां जी सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ पार्ट, चलो युवराज जी सेवेंथ पार्ट, हां जी टू क्या आएगा? ओके वेरी गुड, सीकेंट स्क्वायर एक्स, वेरी गुड वेरी गुड। ओके बेटा कोई मुश्किल तो नहीं, ये सच्ची में कह रही हूं, दैट इज क्वाइट इजी टू डू दी सम्स, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज, ओके वो भी करने हैं, आप खुद कर सकते हो, बट वहां पर दे मेंशन कि डू इट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, आपने डायरेक्टली करना है, ओके क्लियर बेटा, हम सीधा ही करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। नेक्स्ट टर्न किसकी है? मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, वेरी इजी। चलो बेटा बताओ हिमांशु प्लीज प्लीज, कैसे पता चला माइनस वन आना है? यस एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो आंसर इज माइनस वन। नाउ सेकेंड पार्ट, चलिए बेटा नेक्स्ट अर्षदीप, वन देखो बेटा फंक्शन के अंदर फंक्शन है, एक्स की पावर एन होना चाहिए, एक्स नहीं है क्या है? माइनस एक्स, मैंने क्रॉस लगा दिया अपने लिए छोटा सा, वाई डैश पावर आगे एक पावर कम साथ में अंदर वाला माइनस वन, एक्स की पावर माइनस टू आंसर। इसको आप वन बाय एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, इवन पावर में नेगेटिव खत्म हो जाएगा तो आंसर वन बाय एक्स स्क्वायर भी आ सकते हैं ना, कौन सा बेटा? इवन पावर थी तो ये नेगेटिव खत्म, और जो पावर माइनस वन थी उसमें डिनोमिनेटर में आ गया, तो मैंने नेगेटिव को सिंप्लीफाई कर दिया ना, ओके किसी की पावर नेगेटिव होती है आप डिनोमिनेटर में लेके इसको पॉजिटिव कर सकते हो, और जो इसके आगे नेगेटिव था ये ऐसे आया, इवन पावर हो तो नेगेटिव कंज्यूम ही हो जाता है ना बेटा, है ना, ये किया मैंने। चलिए नेक्स्ट अर्षदीप के नेक्स्ट कौन है? हाँ जी आर्यमान, चलिए बेटा साइन का कॉज हो जाएगा बस, ओके जी कॉज काम खत्म, अगर मल्टीप्लाई करे एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन ही होना ना, वो लिखो या ना लिखो डजंट मैटर, ओके क्लियर।
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, माइनस साइन, ओके माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाय एट, देख लीजिए करेक्ट है, क्योंकि इसका आगे करेंगे तो वो वन ही रहेगा, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आंसर ये आएगा, अगले का भी हम करते हैं, अभी स्टेटमेंट तो लिख रहे दो बेटा, कहीं मैम कुछ एक्स्ट्रा ना पूछ ले, इसीलिए फटाफट आंसर बताओ, काम खत्म करो, है ना। चलो जी, वन, पता है वन कैसे आया, एक्स वन ए कॉन्स्टेंट जीरो, ओके जी। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वेरी गुड, प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो आप, पहले ब्रैकेट्स ओपन करके भी कर सकते हो, तो बी एक्स प्लस क्यू आर बाय एक्स प्लस एस, जब तुम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना, जरा ध्यान से, उसमें भी अंदर चेन रूल लगनी है, कैसे जरा देखिए ध्यान से, लेट अस सी, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब जब इसका डेरिवेटिव लेना, बताओगे कैसे करेंगे, एक्स की पावर माइनस वन आ जाएगा, होगा कि नहीं, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, एस का जीरो, काम खत्म, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्या आएगा अकेला, पी, ओपन कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर, बात समझ आई बेटा, चेन रूल मैंने आगे लगाई ना, कि यहां पर पावर इसको आगे लेगी, तो मैंने देखा आगे एक्स ही था, तो एक्स का वो वन ही रहना है, इसीलिए मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर कोई और टर्म होती यहाँ एक्स प्लस टू होता तब भी वन रहना था, लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस टू होता तो टू एक्स लगाते ना, मैं बार बार बोलती हूँ चेन रूल अपने दिमाग में रखा करो, अगर यहाँ एक्स प्लस वन होता, एक्स प्लस वन होता, यहाँ एक्स प्लस वन इंटू वन ही आना था, लेकिन अगर होता यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन तो क्या आना था साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स। मैं क्यों बार बार चेन रूल बोल रही हूँ, क्योंकि फिर आप भूल जाते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का भी आना है, तो मैं कहती हूँ हर बार ही बोलो चेन रूल लगना ही लगना है, अगर एक्स अकेला होगा एक्स का डी एक्स वाई डी एक्स वो वन ही बन जाना, दैट्स व्हाई, समझ आई बात बेटा, क्लियर टू एवरीवन, चले बेटा आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है मेरे पास, फोर्थ, अब देखना चेन रूल इसमें कैसे लगेंगे, कैसे करें, किसकी टर्न है, टर्न टर्न, फिर क्या हुआ, दोबारा बता दोगे तो लगाओ प्लीज प्लीज, हाँ जी इंटू सी, अब चेन रूल लगा ना, देखो यहां क्योंकि यहां एक्स नहीं है, क्या है, सी एक्स प्लस डी, जब आप पावर आगे लेके जा रहे हो, एक पावर कम की, साथ में अंदर एक्स नहीं था, इसीलिए बार बार बोलती हूँ हर क्वेश्चन में बोला करो चेन रूल अप्लाई करो, कभी गलती नहीं होगी, आपको पता है सी एक्स प्लस डी था, सी आया प्लस सेकेंड एज इट इज इसका डेरिवेटिव ए, बी कहां से बेटा, ए, ओके जी, क्लियर हुआ बेटा सबको, कोई डाउट तो नहीं, सिंप्लीफाई नहीं मैं कर रही, यू हैव टू डू योर सेल्फ। नाउ नेक्स्ट, वाई इज इक्वल टू, क्या करें, लगाओ जी, लगाओ, बोलो कैसे लगेगा, ओके
हरनूर बेटा होल स्क्वायर डेरिवेटिव डैश डाल दे। नेक्स्ट वेरी गुड सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव ऐसे लिखना बेटर होता है आपके लिए। अभी प्रैक्टिस नहीं है ना, अब आगे डेरिवेटिव लीजिए। हाँ जी ओके यहां कोई डाउट रहे किसी का? चले बेटा आगे, कोई डाउट तो नहीं? चलो बेटा नेक्स्ट मेरे पास हो गए। सिक्स्थ क्वेश्चन हरनूर बेटा हाँ जी हरनूर क्या करें इसको? चलो एलसीएम लिया एक्स प्लस वन ओवर एक्स एक्स माइनस वन बाय एक्स 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 कैंसल। अब क्या करें अरुण? क्वेश्चन रूल लगाएं वाई डैश एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स माइनस वन एज इट इज। फिर बेटा एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव सीधा ले सकते हैं ना, क्या आएगा वन माइनस एक्स प्लस वन और इसका डेरिवेटिव भी वन। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा डू इट। माइनस टू बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ओके। नेक्स्ट मेरे पास हो गए सेवेंथ क्वेश्चन वन बाय एक बात बताऊं डोंट आस्क अदर्स कि कैसे करना है, गलती हो जाएगा ना। यहां कौन सा तुम आईएएस के अभी पेपर दे रहे हो कि गलत हो गया तो टेंशन हो जानी है जी जॉब नहीं मिलनी। लेट इट बी रॉन्ग सो दैट आपको अपनी गलती पता। अभी पूछ के जल्दी जल्दी में जो बोलते हैं वो सब बोल रहे हो पर गलती नहीं आपको पता चली क्योंकि आपने अपना माइंड नहीं यूज किया। अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये आप पूछ रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार आपको ये बात समझा रही डोंट आस्क गलत ही हो जाएगा ना, फिर क्या हुआ? गलत करना भी किसी किसी का काम होता है ना। जैसे आपका माइंड चल रहा है चलने दो ताकि मैं आपको बताऊं आप कहां गलत हो। जब आप मैं मेरी टर्न आ गई पूरा बताओ कैसे कैसे पूछ के उसका क्या फायदा, आपको आपकी मिस्टेक ही नहीं पता चली। मैं सबके लिए कह रही हूँ सबने पूछ के बताया डोंट वरी आई नो इट वेरी वेल। बहुत अच्छी बात है देख के बताने का। चल बेटा क्वेश्चन रूल भी लग सकता है बिल्कुल सही है वेरी गुड डिनोमिनेटर एज इट इज स्क्वायर ओके आर एम एन ये एज इट इज ऊपर वेरी गुड वन इसका डेरिवेटिव। अगर इसका डेरिवेटिव लूंगी तो टू ए एक्स प्लस बी एक मेथड तो ये था। हाँ जी बिल्कुल हम चेन रूल सीधा लगा सकते थे। कैसे करते अगर मैं इस चीज को अब देखो अर्षदीप गलत तो नहीं थे ना, घबराए हुए थे ओ असीस चलो। हाँ जी ये देखिए ये ऐसे लिख सकती थी। अब इसका डेरिवेटिव लेना पावर आगे गई एक पावर कम हो गई इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या बना टू ए एक्स प्लस बी। दोनों को सॉल्व करके देख लो सेम आंसर आएगा ओके बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? चले आगे
मैं बार बार कह रही हूं, ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगी ना, कोई बात नहीं, बट ट्राई टू डू योर सेल्फ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वन श्रेया, एक्स प्लस बी। श्रेया चल मेरा बेटा बता, चेन रूल क्यों, क्वेश्चन रूल पहले, ठीक है बेटा?